Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions which are given to us. Here, a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्मॉल फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट टू इस स्मॉल फंक्शन के लिए मैं कुछ डेटा को यूज करूंगा और सबसे पहले मैं रैंडमली उस डेटा को आपके सामने दे देता हूं टेन ये डेटा मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप कर रहा हूं एटी स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज ब्लैंक मैं इसको थिक बॉर्डर दे देता हूं दिस इज ब्लैंक द नेक्स्ट वन इज आई राइट माई ओन नेम दिस इज टेक्स्ट द नेक्स्ट वन इज देर इज सम एरर दिस इज हैश जीरो एक्सक्लेमेशन साइन ये मैंने यहां पर एरर दे दिया

किस डेटा को यूज किया है यह भी डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा का स्टार्ट करते हैं स्मॉल फंक्शन के साथ एरे यहां पर यह मेरा कंप्लीट एरे है लेकिन अभी मैं कंप्लीट एरे को टेकअप नहीं कर रहा मैंने लिया ए टू टू ए फोर कॉमा मुझे फर्स्ट पोजीशन को निकाल के दो पेरथीसिस क्लोज आई प्रेसेंटर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज टेन हमने इसके लिए इस फंक्शन को यूज किया है डिस्क्रिप्शन केस के अंदर इट रिटर्न्स द फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दी लिस्ट पूरी लिस्ट में से लिस्ट के अंदर हमने ये तीन वैल्यूज ही ली थी इसमें से मुझे जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो निकाल के स्मॉल फंक्शन ने दे दिया सो so, मैंने डेटा यूज किया है ए टू से फोर तक जो डेटा में यूज कर रहा हूँ मैं वो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ द नेक्स्ट वन इज इक्वल्स टू स्मॉल ये मेरा डेटा एरे है इसके अंदर अब मुझे सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर दे दो पेरेंट क्लोज आई प्रेस एंटर आई गॉट दी सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज फिफ्टी इट रिटर्न द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दी लिस्ट और हमने डेटा वही यूज़ किया है जो हमने फर्स्ट केस के अंदर यूज किया था नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इक्वल्स टू स्मॉल इस केस के अंदर मैं अपना डेटा सेट को एक्सपैंड करूंगा। यहाँ पर ए टू से लेके ए फाइव तक ले लिया स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा यहां पर ये ए फाइव ब्लैंक है फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर निकाल के दो तो वो यहां पर वन लिख दिया पेरेंथीसिस क्लोज आई प्रेस एंट्रा। मेरे पास एक वैल्यू आ गई टेन इन सब में से स्मॉलेस्ट वैल्यू टेन है इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख रहे हैं इट इग्नोर्स ब्लैंक सेल जब मुझे ये टेन वैल्यू निकाल के दी गई आउट ऑफ दीज फोर सेल्स उसके अंदर एक ब्लैंक भी था लेकिन स्मॉल फंक्शन ने ब्लैंक सेल को इग्नोर कर दिया सो so, यहां पर हमारा डेटा एक्सपेंड हो गया था ए टू से ए फाइव तक इन द नेक्स्ट आई टेक इक्वल्स टू स्मॉल यहां पर मैं अपने एरे का साइज इंक्रीज करूंगा ब्लैंक के साथ अब मैंने टेक्स को भी कवर कर दिया मुझे स्मॉलेस्ट नंबर निकाल के दो पेरथीसिस क्लोज अगेन स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास टेन आ गया इट मीन्स अगर हमारे एरे के अंदर कोई टैक्स भी है तो उस टैक्स का कोई भी इम्पैक्ट स्मॉल फंक्शन के ऊपर नहीं है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने सेम चीज़ को दे दिया स्मॉल फंक्शन इग्नोरस टैक्स ब्लैंक को भी इग्नोर कर रहा है और टैक्स को भी इग्नोर कर रहा है और यहाँ पर हमारी डेटा की रेंज थी ए टू टू ए सिक्स हमने ये रेंज यहाँ तक ली थी नेक्स्ट पॉइंट आई विल इंक्रीज द रेंज इक्वल्स टू स्मॉल अब ये मैं कंप्लीट अपना एरे दे दूंगा एट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मुझे निकाल के दो सो आई राइट वन पेरेन्थिस क्लोज आई प्रेस एंटर। जब मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करता हूं तो इस केस के अंदर बीच में एक एरर आ गई थी जब ये कोई एरर आ जाती है तो स्मॉल का फंक्शन काम करना बंद कर देता है और यह हमें एरर ही रिटर्न करता है हमने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया मैं वो आपके रेफरेंस के लिए इस जगह पर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर देखिएगा इफ़ देर इज़ एन एरर इन द लिस्ट स्मॉल फंक्शन रिटर्न एन एरर ये स्मॉल फंक्शन एरर रिटर्न करता है स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक छोटा सा फंक्शन स्मॉल फंक्शन बहुत ही स्मॉल था लेकिन ये आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के अंदर बहुत मदद करेगा थैंक यू वेरी मच